यह हाल है राजधानी पटना का, जहां घने आबादी के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चचरी पुल के सहारे आवाजाही करते हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो पूरे बिहार का क्या होगा, इसी से आप समझ सकते हैं। राजधानी पटना में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, वहीं लोग चचरी पुल के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। पटना सिटी के महेंद्रीगंज स्थित विरुवाचक इलाके में बरसात का पानी जमने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस इलाके में करीब 100 घर हैं, जिनके बच्चे पढ़ने के लिए चचरी पुल के सहारे आते जाते हैं। वहीं तबीयत खराब होने पर भी आवाजाही करने में लोगों को परेशानी होती है। यहां तक कि चचरी पुल के सहारे आवागमन करने में लोगों को हमेशा डर बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में चचरी पुल का ही सहारा लेते हैं और ज्यादा बरसात हुआ तो चचरी पुल भी डूब जाता है, जिसके कारण आवागमन ठप हो जाता है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, मगही आवाज। मौसम में सर दिक्कत यही हो रहा है कि आने जाने में दिक्कत होता है। छोटे छोटे बच्चे को स्कूल आने में काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ता है। जो लड़कन पढ़ने जाता है, कब चचरी टूटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा कारण है कि बगल में पश्चिम तरफ नाला बहता है, इसका जब बरसात होता है तो पानी ओवरफ्लो होकर कहीं पर गिर जाता है और फिर गड्ढा होने के कारण पानी का निकास नहीं हो पाता है। इसलिए पानी के निकास की कोई व्यवस्था किया जाए। चचरी तो मिथिलेश जी और वो लोग 4-5 घर, 10 घर में 100 घर करीब है यहाँ पर है। बीमार पड़ने पर पेशेंट के दिक्कत है कि रात को बड़ी दिक्कत होता है ले आने में समस्या है। एक तो पानी भरा हुआ है, दूसरा में अब बीमार है तो उसको कैसे ले जाएगा। अब दिक्कत तो काफ़ी सामना करना पड़ता है। अब दो आदमी ने पकड़ी, दो आदमी कभी चचरियों टूट जाता है। हाँ, वो तो हादसा का शिकार होने, जब टूटेगा तो हाथ में हाथ गोरा टूटना ही ना है। ऐसे बीमार आदमी है, ये है दिक्कत है, लेकिन अब किया क्या जाए। हम तो करीब करीब 8 बरस इधर रह रहे हैं। ये विरुवाचक इलाका पड़ता है, मेहदीगंज पड़ता है, पटना सिटी 8 में ही है। हमारा शिवजी महतो नाम है। डर लगते, अब उपाय की है? यह भर बरसात रह तो 10-3 महीना 4 महीना ये नाला वाला ना बह, एक पर से जाते हैं बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे हैं। ये लकड़ी का पुल है, वही बना, पानी जमा है तो अब तो नहीं होता, अभी फुट बन गया। Thank you.